हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ पनीर मोमो की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए ये पनीर मोमो बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल से। हम यहाँ पे 2 कप मैदा लेंगे, 2 कप मैदा को अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा मैदा अच्छे से भुना गया है। अब इसको हम रख देंगे। अब हम इसका स्टफिंग बनाएंगे मोमो का। हमने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है, हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए पनीर हमने सब ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे 1 कप जितना, और पत्ता गोभी को भी हमने ग्रेट कर लिया है। प्याज डालेंगे 1 कप जितना, प्याज को भी ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें अजीनोमेटो डालेंगे थोड़ा सा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अदरक डालेंगे इसमें थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब हम मैदा लेंगे जो हमने गूंदा था, अब उसका हम छोटा छोटा सा लोई बना लेंगे। थोड़ा मैदा लगाएंगे इसमें और इसको छोटा सा पूरी जितना बेल लेंगे। और अब देखिए इतना पूरी बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। ज़्यादा बड़ा हमें पूरी नहीं बेलना है, छोटा सा ही स्टफिंग भर लेंगे और इसको ऐसे तरीके से बंद कर लेंगे। देखिए ऐसे ही करना है। ये मोमो बन गया है। अब ऐसे हम सारे मोमो बना लेंगे। अब हम जब तक मोमो बनाते हैं तब तक हम मोमो का बर्तन में पानी गर्म होने के लिए दे देंगे सबसे लास्ट वाले बर्तन में। यहाँ हमने 2 कप पानी लिया है। अब इसमें हमने 4 टमाटर डाला है, टमाटर हमने डाला है चटनी के लिए, बॉईल कर लेंगे। और देखिए हमारा मोमो भी पूरा बन चुका है। अब इसको हम मोमो बर्तन में डालेंगे। मोमो बर्तन में हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसमें हम इसको अच्छे से सजा लेंगे। पानी भी बॉईल हो चुका है, टमाटर पक चुका है, टमाटर को हम निकाल लेंगे पहले।
अब हम मोमो का बर्तन इसमें डाल देंगे और इसे ढक देंगे और इसे 20 मिनट तक के लिए हम पका लेंगे। 20 मिनट हो चुका है, 20 मिनट बाद देखिए मोमो पक चुका है पूरा अच्छे से। अब हम मोमोज का चटनी बना लेंगे। हमारा टमाटर ठंडा हो चुका है, टमाटर को हम ग्राइंडर में डाल देंगे। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार। और इसमें हम तिल डाल देंगे, तिल को धो लिया है हमने, सफेद तिल। और ये हम स्पाइसी वाला मिर्ची डाल रहे हैं, इसे डल्ले मिर्ची बोलते हैं, ये बहुत तीखा होता है और इससे मोमोज का चटनी का फ्लेवर और बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगता है चटनी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए मोमोज का चटनी बन चुका है। अब चलिए मोमो सर्व करते हैं। अगर आपको मेरा ये पनीर मोमो रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस ठंड में ये गर्मा गर्म मोमो एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अपने अपने घर में बनाइए ये टेस्टी सा पनीर मोमो, कॉमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ।